जी क्लास सेकंड ईयर अस्सलाम वालेकुम। आज आपका लेक्चर एक्सपोनेंशियल फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की कम्बिनेशन के साथ है, डेरिवेटिव्स हैं इसकी। इसमें आपने ई रेज टू पावर एक्स को आज पढ़ना होगा। इसके अलावा लॉगरिथम फॉर्म होगी कुछ हमारे पास। यहाँ पर आज इस तरह क्वेश्चन होंगे कि इनवर्स हाइपरबोलिक इनवर्स को भी हम साथ साथ स्टडी करेंगे। तो सेकेंड ईयर में आपका जो बेसिक आज का टॉपिक है वो साइन एक्स और ई रेज टू पावर माइनस एक्स है। इसमें लेट वाई इज इक्वल टू साइन एक्स एंड ई रेज टू पावर माइनस एक्स, आप इसका डेरिवेटिव लेंगे। जब डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स हल किया जाता है। इसके लिए आप देखें डी वाई बाई डी एक्स डी बाई डी एक्स साइन एक्स ई रेज टू पावर माइनस एक्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जितनी भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है इसके सॉल्यूशन के लिए आपके पास जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वो ई रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू पावर एक्स के ही बराबर होगा। इसी तरह हम यहाँ इसको फर्स्ट और सेकेंड साइन एक्स माइनस एक्स जमा ई रेज टू पावर माइनस एक्स डी बाई डी एक्स साइन एक्स, तो साइन एक्स आ जाएगा ई रेज टू पावर माइनस एक्स का माइनस एक्स के बराबर। फिर आप डेरिवेटिव माइनस एक्स का लें। इसी तरह साइन एक्स का डेरिवेटिव आपके पास कॉस एक्स होगा। तो हमारे पास यहाँ आंसर होगा साइन एक्स ई रेज टू पावर माइनस एक्स माइनस प्लस माइनस एक्स और कॉस एक्स, विच इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। ये आपका आंसर होगा। इसमें आप जितनी भी फॉर्म्स देख रहे हैं एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दोनों कंबाइन होंगे और इन दोनों वैल्यूज को आपने यहाँ पर हल करना होगा। हमारे पास एक और क्वेश्चन है आज, इसमें आप डेरिवेटिव लेंगे डी बाई डी एक्स साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स विच इज इक्वल टू वन वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। इसका हम सबसे पहले प्रूफ लेते हैं। लेट साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई, तो साइन हाइपरबोलिक वाई बराबर एक्स के होगा। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आप करेंगे एक्स, तो ये हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक वाई डी वाई बाई डी एक्स और एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स वन हो जाएगा। ये डी वाई बाई डी एक्स वन ओवर कॉस हाइपरबोलिक वाई होगा। देखें जितनी यहाँ फॉर्म है डेरिवेटिव लेने के बाद ये वैल्यू वन ओवर कॉस हाइपरबोलिक वाई, कॉस हाइपरबोलिक वाई आपके पास होता है वन प्लस साइन हाइपरबोलिक स्केयर वाई अंडर रूट। इसका मतलब है यहाँ वन प्लस एक्स स्केयर हो जाएगा जो कि आपने यहाँ साइन हाइपरबोलिक वाई को लेट किया हुआ था। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो हम इसे इस पूरी फॉर्म को एज ए प्रूफ के तौर पर यहाँ पर लेंगे। यही हमने आज आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हमने हल करने हैं इसके अंदर। तो आप इसमें देखेंगे लेट यहाँ y इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x की तीन, आप इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x विच इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स डी बाई डी एक्स साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x थ्री, ये हो जाएगा वन ओवर वन प्लस एक्स थ्री स्केयर अंडर रूट और डेरिवेटिव होगा x रेज टू पावर थ्री का, ये होगा वन ओवर वन प्लस एक्स सिक्स और x3 का डेरिवेटिव आपके पास 3x स्क्वायर होगा। ये इससे कुछ फॉर्म्स हैं, जब हम इसे डेरिवेटिव्स की फॉर्म में हल करते हैं तो हमारे पास ये इसका सॉल्यूशन होगा। इसमें हमने थीटे का डेरिवेटिव दोबारा से लिया है, अगेन लिया हुआ है। आपके पास ये शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे होगा। क्वेश्चन नंबर थ्री है ये इसका, एक्सरसाइज 2.6 चल रही है। इसी में एक क्वेश्चन है वाई टेन हाइपरबोलिक एक्स एक्स लॉग टेन हाइपरबोलिक एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स वन ओवर
टेन हाइपरबोलिक एक्स, टेन हाइपरबोलिक स्केयर एक्स का डेरिवेटिव होगा सिकन हाइपरबोलिक स्केयर एक्स, विच इज योर रिक्वायर्ड आंसर। इसमें आप ये चीज देखिए, मैंने डेरिवेटिव एक तो लॉग एक्स का लिया जो कि वन ओवर एक्स होता है, फिर आप यहाँ देखते हैं कि डेरिवेटिव हम इसके टेन हाइपरबोलिक एक्स का भी लेती है जो कि बराबर किसके होगा, सेकंड स्केयर के। ये इसका डेरिवेटिव है, ये पूरी वैल्यू आपके पास एक्स है, क्योंकि जनरली जो डेरिवेटिव है नेचुरल लॉग एक्स का वो होता है वन बाई एक्स। तो जब यहाँ ये वैल्यू लॉग टेन हाइपरबोलिक एक्स में आती है तो इसको लिखा जाता है वन ओवर टेन, और टेन का डेरिवेटिव फिर से लेते हैं सेकंड हाइपरबोलिक स्केयर एक्स, ये इसका रिकॉर्ड आंसर होगा। ये 2.6 है, इसके कुछ क्वेश्चंस थे जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हैं, कि बहुत इम्पोर्टेंस है। आप इसी में एक और भी क्वेश्चन करते हैं, इसको आप वाई लॉग 10 एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन लेते हैं, जब इसका डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ये होता है वन ओवर नेचुरल लॉग 10, और इसी तरह एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन और डेरिवेटिव इस वैल्यू का जो कि 2x प्लस 1 हो। ये आपके पास एक डेरिवेटिव है log 10x which is equal to 1 over x natural log 10 और x का with respect to x derivative 1। ये फॉर्म जो है, ये डेरिवेटिव्स को आप अलग से इस फॉर्म में हल करते हैं। ये वाली फॉर्म आप देखते हैं, इसमें 1 over x log of 10 लेते हैं, log 10 का डेरिवेटिव यहाँ नहीं होगा जो कि कांस्टेंट है। ये फॉर्म जो है ये वन ओवर लॉग ए एक्स के बराबर वन ओवर एक्स लॉग ऑफ ए, इसका रिकॉर्ड आंसर होगा। तो दिस इज योर रिकॉर्ड आंसर ऑफ ए 2.6 एक्सरसाइज। आप इस 2.6 एक्सरसाइज में ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो मैंने आज आपको ये प्रैक्टिस के तौर पे करवाए, आप ये नोट करेंगे, मैं यहीं से लेक्चर प्रोसीड करूँगा। थैंक यू वेरी मच।